Hypnotic! I'm angry! I'm angry! भीषण गर्मी के मौसम में बक्सर जिले में लगातार गेहूं की फसल में आग लग रही है। एक सप्ताह से प्रतिदिन आग लगी की घटनाओं की वजह से किसानों की कमर टूट गई है। मेहनत की कमाई हुई फसल जलने से किसानों के परिवार के सामने भुखमरी का संकट मंडराने लगा है। केसठ प्रखंड के रामपुर पंचायत में भी आग ने तबाही मचाई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से सैकड़ों बीघे में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। बढ़ती गर्मी और तेज बहती पछुआ हवा में आग की एक हल्की चिंगारी भी शोला का रूप धारण करते हुए तांडव मचा रही है। किसानों की लाख कोशिश के बाद भी देखते ही देखते सैकड़ों बीघे की फसल जलकर राख हो चुकी है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मदद नहीं की तो वो भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। आग लगा है बिजली के चिंगारी से और फसल लगभग 250 बीघा के करीब जला है। खड़ी फसल, उसमें एक भी ये नहीं था कि कहीं कटा हुआ था, सारा का सारा फसल खड़ा और गेहूं खूब अच्छा था। सारे किसान लोगों का, हम लोगों का माने खाने के लिए रोटी तक नहीं। अच्छा ये बताइए कितने किसानों का जला है और कौन कौन गांव से? बराव पंचायत का है, भगवतपुर टोला, भगवतपुर चूल्हनचक और बराव के लोगों का भी खेत है। इसमें मुआवजा के लिए कोई? हम लोग कर्मचारी गए, कृषि समन्वयक गए और जा करके उन लोगों से कहा तो इन्होंने कहा कर्मचारी ने कि आप एक सनहा दर्ज कराइए। सनहा अलग अलग होना चाहिए हर किसान का, और सनहा दर्ज होने के बाद अब उसका नकल और आवेदन, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का फोटो स्टेट लेकर के सीओ को जमा कीजिए। हम लोग आपदा विभाग से आप लोगों का मुआवजा दिलवाने का कोशिश करेंगे। पहले भी इस तरह की घटना होती है? ना, बहुत पहले हुआ था लेकिन उसमें कोई खास नहीं था, हल्का। लेकिन अभी जो है मैंने करीब करीब 250 बीघा खेत हम लोगों का जला। वहीं बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल ने बताया कि पीड़ित परिवार को मुआवजा की राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि आग लगी की घटना में दो लोगों के मृत्यु हो जाने के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के खाते में राशि चली गई होगी। अग्रवाल ने भरोसा दिलाया कि आगजनी से पीड़ित किसानों को सहायता दी जाएगी। नहीं, बिल्कुल, ये अत्यधिक गर्मी के मौसम में हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न कारणों से आग लगी की घटनाएं काफी संज्ञान में आ रही है। जहां भी आग लगी घटनाएं हुई है हमारा ये स्पष्ट निर्देश भी है और अग्निशामक जो यंत्र हैं तुरंत वहां पर पहुंच रहे हैं। राजस्व कर्मचारी और कृषि विभाग के कर्मी भी वहां पर पहुंच रहे हैं और जो भी उन लोगों को दे मुआवजा है हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी मुआवजा दें। बर्तन हैं और ये सब हैं ये भी हम लोग प्राथमिकता पर दे रहे हैं और जो मुआवजा भी भुगतान करना है सभी हमारे कृषक बंधुओं को जिसका इस कारणवश नुकसान हुआ है, हम लोग ये प्रयासरत हैं कि एकदम तेजी से हम लोगों दो लोगों की मौत हुई है तो क्या उनको भी मुआवजा मिला? नहीं, बिल्कुल, आज आप लोग देखेंगे कि उनके बैंक खाते में चला जाएगा। अंचल अधिकारी जो है इस पर लगे हुए हैं, सारी औपचारिकताएं इसके लिए पूरी कर ली गई है। आज उन दोनों जो मृत व्यक्ति हैं उनके लिए बड़ा जो है दुखद है कि ऐसी कोई घटना हुई और जिला प्रशासन जो है अपने स्तर से कार्रवाई कर। गेहूं की पकी फसल में आग लगने का डर हमेशा बना रहता है, इसीलिए किसानों के साथ ही अधिकारियों को भी सतर्क रहना चाहिए और पीड़ित किसानों को हर मुमकिन मदद मुहैया करानी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।